Start our session. I just giving you the brief introduction about our today's experts. Okay, so let me first give you. The basic introduction about Taran sir. Automation industry. Okay. He has actually completed successfully years in the automation industry and has 15 so projects commissioned success. And his main is a particular startup that is for 5 plus solar project commission CEO of Energon Automation LLC. So without wasting much time, I quickly give the hand over this session to the Taran. So Taran, now just take the charge. Hello Taran, can you hear me? Yes sir. Hello Taran sir, can you hear me? Yes sir, I can hear you. So now now over to you. You just start the session. Okay. Sir. So now I'm just starting my session. Okay. Good morning to all. Hello guys, this is Taran Dodia from Energon Automation. And today is the topic for the motivation of a startup and what are the experience I get from this startup and the incubation systems, which I have since I have experience of 2 years. So in this session, we will talk about these topics. So સર આમાં કયું ઇંગ્લિશમાં જ આખું પ્રેફરન્સ રાખવું છે કે ગુજરાતીમાં જ લઉં? હિન્દી ઇંગ્લિશ મિક્સ સર. ઓકે સર, નો પ્રોબ્લેમ. યા એન્ડ ઇફ પોસિબલ ધેન ટર્ન ઓન યોર કેમેરા એઝ વેલ સર. ઓકે. Okay, so the first topic is from where I got the motivation to start the startup. Since jyare jab maine kya bol jab maine ye maine degree khatam hua tab maine Schneider mein job start ki thi. Schneider mein job start hone ke baad मैंने कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए. वो प्रोजेक्ट्स में मैंने काफी मेरे 2 साल तक का एक्सपीरियंस मिला, जिसमें मैंने ओईएम्स की और सोलर प्रोजेक्ट्स के मैंने काम किए. वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो सारे प्रोजेक्ट्स है वो पीएलसी बेस और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस. तो उसमें जब मैंने स्टार्टअप का मैंने जो थिंक किया था वो मैंने डिप्लोमा मैंने स्टार्ट किया था, तब से मेरा ये था मोटिवेशन कि मैं फ्यूचर में जाके मेरा खुद का बिजनेस करूंगा. और वो जो बिजनेस जो मुझे करना था वो उसके लिए मुझे जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो सफिशियंट एक्सपीरियंस हो, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक स्नाइडर कंपनी में मैंने जॉब ली थी. वो जॉब लेने के बाद जो फर्स्ट ऑफ जो एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको एक परफेक्ट प्रॉब्लम चाहिए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तब जाकर के आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप किस बेस आइडिया बेस पे आप अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे. क्योंकि स्टार्टअप का फर्स्ट जो है, क्योंकि आपके पास अभी ना कोई फंड होगा और ना ही कोई अभी फिलहाल में कोई ऐसा रिसोर्स होगा जिससे आप इंस्टेंटली कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. आपके पास बस एक स्टार्टिंग में आइडिया होगा, वो जो आइडिया का वही आइडिया के बेस पे आपको खुद का एक जो नॉलेज बेस है वो पूरा सेट करना पड़ेगा. तो मेरा जो फर्स्ट मोटिवेशन सबसे पहले जो स्टार्ट किया था स्टार्टअप के लिए का, तो मैंने एमटेक कंपनी में मैंने ट्रेनिंग ली थी एक ईयर एक साल के लिए, और वहां पर मैंने बीएफडी के लिए सब लर्न किया.
वो सब सीखा। उसके बाद में मैंने जब जाके आगे जाके स्नाइडर में मैं ज्वाइन हुआ, वहां पर जाके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए सब मैंने काम किया। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए काम करने के साथ साथ मैंने यही सब फाइंड किया फील्ड में जाके। फील्ड में जाके मैं वर्क कर रहा था, तो वही वर्क में मुझे मैं देख रहा था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज यूज करती है, क्या उसमें लॉक फॉल्ट्स है जो अभी सुधर सकते हैं। लाइक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में देखने जाए तो अभी लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा लैग हो रही है। जो अभी लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज थी वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं थी। वो प्रोबेबली 5 ईयर्स या 10 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे थे। तो मेरा बेसिक आइडिया इसके लिए यही था कि मैं एक बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करूं, साथ में वो सब मेरा ये एक बेसिक था जो ये प्रॉब्लम जो था, और साथ में कई सारे जो फीचर्स थे जो एक प्रोडक्शन जो बेस्ड कंपनी हो या फिर कोई भी सर्विस सेक्टर की कुछ कोई बेस कंपनी हो जहाँ पर ये सब यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप उसके लिए होकर के एक जो प्रोडक्ट डेवलप करना था वो सब मैंने उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना, जब मैं वर्क कर रहा था जॉब कर रहा था तभी मैंने स्टार्ट करी। साथ में जो मैं स्नाइडर में मैं जॉब कर रहा था वहां पर उनकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए की बहुत बड़ी रेंज है, मगर उन लोगों का जो कॉस्ट लाइन है जो एक नॉर्मल एमएसएमई ओनर बेयर नहीं कर सकता वो एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो मार्केट है यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 से 70% कंपनीज एमएसएमई में होती है, लार्ज स्केल कंपनीज बहुत कम है जो ये अमाउंट पे नहीं कर सकती, और वो ऑटोमेशन के लिए अपनी कंपनी ऑटोमेशन के लिए नहीं वो लोग कॉस्ट पे कर सकते। उन कंपनीज के लिए ये प्रोडक्ट मैंने बनाया था, और बेसिक जो फंक्शन है जो अभी आईओटी का जो अभी चल रहा है वो इंडस्ट्रियल आईओटी का मैंने 4 साल पहले प्रोजेक्ट किया था, तो वही प्रोजेक्ट के बेस पे मैंने आगे अपना ये स्टार्टअप मैंने किया और वो एनर्जोन ऑटोमेशन। तो ये जो मैंने फील्ड जो फिर चूज की थी, ये जो फील्ड है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये स्टार्टअप के लिए कैसे सही है वो पहले आपको जानना है, फिर स्टार्टअप के साथ सही है फिर उस फील्ड के लिए क्या सफिशियंट नॉलेज चाहिए वो सब आपको कहाँ से मिल सकता है, फिर आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि मेरा जो टाइम था, मैंने जब ये स्टार्टअप के लिए शुरू किया था तब मैंने 2 साल तक जॉब की थी, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना शुरू किया था मेरा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होते होते मेरा ऑलमोस्ट 2 साल लगा था, तो वो 2 साल में एक प्रोडक्ट मैं अगर डेवलप कर रहा हूँ, डेवलप करने के बाद भी मुझे एक कंपनी में जाके वैलिडेट करना था कि अगर क्या ये मेरा प्रोडक्ट कंपनीज यूज करेंगे भी नहीं करेंगे, वो रिलायबल होना चाहिए क्योंकि वो एक ओईएम मशीन को ड्राइव कर रहा है, वो प्रोबेबली कोई एक्सीडेंट भी करवा सकता है अगर वो कोई माल फंक्शन करे। तो ये सब जो चैलेंजेस थे वो सबको ओवरकम करना, और वो सब ये सब जो ओवरकम करना है वो कोई भी अगर आप फ्यूचर में जो स्टार्टअप करोगे उसके लिए वो सब एक पाथ फाइंड करना या फिर उसका एक सॉल्यूशन फाइंड करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैंने अपना जो डेवलपमेंट किया था उसके सबसे पहले तो आपको अपना एक टीम फॉर्म करना चाहिए, वो एक टीम में मैं और मेरा एक पार्टनर था पुनीत दर्जी। तो प्रोबेबली उसमें ऐसा था कि पीएलसी और स्काडा के लिए जो हमारा प्रोडक्ट था और मेन उसकी फंक्शनलिटी यही थी कि वो एक आईओटी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड होगा, सेकंड कॉस्ट एफिशिएंट होगा, थर्ड उसमें एआई कंपेटिबिलिटी भी होगी, ये सब था। और मेजर पॉइंट यही था कि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो इंडिया में सबके लिए अवेलेबल करवानी है, और वो एक रिजनेबल कॉस्ट में जो एमएसएमई कंपनीज एमएसएमई कंपनीज वो पे कर सके और वो अपना यहाँ पे इंस्टॉल कर सके। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर ओवर हियर,
Are you going to share the slide? Because we are only see the energy and absolute progress. Oh, Yes, yes, sir. yeah. Now it's okay. Yeah. Yes, sir. Continue. So, Tarang and Punit, we are the main the founders. We started the Enerzon. He works from software development like SCADA and the for software of PLC programming, and for the basic of IoT gateway. He also look out the security problems or security analysis or anything regarding the network or internet that may be connected to the IoT devices. So he overcome and develops on those platforms, and I follow on the site commissioning and the electronics development of our products. So इसमें जाने के तो हमारे जब स्टार्टअप शुरू हुआ था तो बेसिक टीम में हम दो ही लोग थे। तो इसमें जाने के बाद हमारे पास जो था स्टार्टअप का जो मेन एजेंडा था वो यही था कि जो अभी फिलहाल में जो कंपनीज जो है सारी उसमें मेजोरिटी जो हार्डवेयर रहता है वो सब के सभी लाइसेंस्ड होते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं। उनके लिए आपको एक बेसिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या तो उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और उसमें भी एक पीएलसी परचेज करने के बाद और जो भी वो प्रोडक्ट रहता है वो मेजोरिटी कोई भी इंडियन कंपनीज नहीं है, सारी की सारी चाइनीज, यूएस, फ्रांस, सब यूरोपियन, सब बाहर फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज है जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो भी था ये सब ये एक एमएसएमई कंपनीज के लिए हम लोग प्रोवाइड करवाना चाहते, जो ये प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे थे, जो हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दे रहे थे हमारे प्रोडक्ट से, तो यही सब प्रॉब्लम्स है। जैसे कि प्रोप्राइटरी हार्डवेयर था, इसमें हम लोग एक जो हार्डवेयर है वो हम लोग क्लाइंट के प्रेफरेंस के हिसाब से भी हम लोग डिजाइन करते थे, और हर एक फील्ड हर एक डोमेन के लिए, जैसे कि माइनिंग हो गया उसके लिए अलग है, फिर ओईएम के लिए अलग है, उस हिसाब से हम लोग जो जो रिक्वायरमेंट बेस मिलती थी उस बेस पे हम लोग हमारे एक्स्ट्रा आगे के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली हमको हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ते, क्योंकि ये एक स्टार्टअप में ऑलवेज आपको एक एक इमर्जिंग कंपनी की तरह आपको देखना है। तो इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आपके कॉम्पिटिशन में, तो ये सब कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूस डेवलपमेंट और साथ में वो सब बेयर करने के लिए वो सब डेवलपमेंट और साथ में एक कैश फ्लो जो होना चाहिए वो सब कैसे देखना चाहिए, और वो सबके लिए हम लोग प्लानिंग और यहाँ पर करते रहे। हमारा जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर जो आईओटी का जो मेन सॉल्यूशन है जो उसके वो हम लोग सारे के सारे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना है, वो जो प्रोवाइड करने के लिए जो भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट था और साथ में जो हमारा बिजनेस के लिए के व्यूज के हिसाब से जो स्टार्टअप के लिए जो हमारा रेवेन्यू जनरेट करना हो और आगे जो डेवलप करने के लिए जो सब हमको और रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट हो वो सब रिसोर्सेज के लिए हम लोग कई सारे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लोगों से हम लोग ऑलवेज मीटिंग किया करते थे। तो उसमें हम लोग ने यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर में जीआईसी है एलडी में, वहाँ पर हमने इंक्यूबेशन सेंटर में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांट वहाँ पे मिला, और इंक्यूबेशन सेंटर में हम लोग ज्वाइन हुए। वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर कई सारे लोगों ने हमको कई अच्छे कॉन्टेक्ट दिए फील्ड में जहाँ पर हम लोग वो यूज कर सकते थे, और जैसे कि हमने हमारा डिवाइस डेवलप किया, डेवलप करने के बाद हमको वहाँ पर ट्रायल्स लेने थे एक्चुअल फील्ड में, तो फील्ड में ट्रायल्स लेने के लिए कोई हमको चांस मिलना चाहिए, तो वो चांस हमको यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर से हमको एक फर्स्ट चांस यहाँ से मिला।
और बाद में वो चांस मिलने के बाद हम लोग ने ये हमारा हार्डवेयर आगे सब जगह पे इम्प्लीमेंट भी किया है। अभी हमारा हार्डवेयर ऑलमोस्ट माइनिंग कंपनीज में, फार्मर्स में और ये सब जगह पे चल रहा है अभी। और जब आप अपना स्टार्टअप में डेवलपमेंट शुरू करते हो, डेवलपमेंट शुरू करते टाइम आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ जो डेवलपमेंट करना रहता है उसके लिए जो सफिशियंट नॉलेज रहता है, वो नॉलेज के लिए आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वो टाइम स्पेंड करते करते आपको कई बार अपना प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट का कंसेप्ट, प्रोडक्ट का मेन जो व्यू है, उसका जो फील एंड टच है, वो सब चेंज हो सकता है। वो प्रोसेस रिकरिंग प्रोसेस है जो आपको बार बार चेंज करनी पड़ती है, करनी पड़ सकती है। जो वो जाते जाते आपको एक टाइम ये भी फील होता है कि क्या मैंने डेवलप किया है वो सही है कि नहीं, ऐसा सब। सो उसको आपको कंफर्म करने के लिए बार बार आपको वैलिडेट करना पड़ता है किसी और मेंटर के थ्रू। तो हमारा जो मेंटर जो था वो यहाँ पर, हम लोग ने एक इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, ये ऑफर दिया था कि हम लोग आपके यहाँ पर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करके देंगे। और साथ में ये भी हमारा ऑफर था उनको कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद इतने ड्यूरेशन तक आपको हम लोग ये IoTs और ये जो हार्डवेयर है उसके कुछ फ्री जो सर्विसेज है वो सारे फ्री में देंगे। और वैसे करके हम लोग ने वो स्टार्ट किया। और जो मेन जो हमारा जो मेन सपोर्ट था फाइनेंशियली, और वो जो जो भी हम लोग डेवलप कर रहे थे, लाइक हमने जो हार्डवेयर डेवलप किया उसके जो ट्रायल्स लेने थे, उसके जो भी सब बाकी के जो रिसोर्स थे, जो उसको टेस्टिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हमको यहाँ पर इंक्यूबेशन से हम लोग प्रोवाइड करते थे। ये GIC करके जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन है वहाँ पर हम लोग ने अप्लाई किया था। वो अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमको काफ़ी सारा फंड्स भी मिला। फंड्स के अलावा हमको इक्विपमेंट्स और सब वर्किंग प्लेस भी मिले। और साथ में यहाँ पर हमको क्या बोल गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स में हम लोग यहाँ पर एक बार मीटअप किया था। वहाँ पे मीटअप होने के बाद हमको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली कि हमको बहुत सारे हमारा प्रोडक्ट जो था वो मार्केट में रखने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी हमको मिला था। अभी अभी हम लोग अभी फिलहाल में मंथली 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो सारे मेजोरिटी फार्मास्यूटिकल और माइनिंग और OEM के, ये 3 बेस पे हम लोग के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। साथ में जब भी बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर में जब भी आप आते हो यहाँ पर, इंक्यूबेशन सेंटर में ऑलवेज यहाँ पर गाइडेंस अच्छे से मिलती है। इंक्यूबेशन में आपको जब भी एक स्टार्टअप के लिए आप अगर आप चूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, वो प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद, वो कंसेप्ट उसके ऊपर बिल्ट अप करो, वो क्या से आप सॉल्व करके दोगे, वो सब उसके सॉल्यूशंस और वो सब आप एक पूरा आइडिया अपना क्लियर करोगे। वो आइडिया क्लियर करने के बाद जब भी आपको इंक्यूबेशन सेंटर में जाके उसका पिच दोगे, तो पिच देने के बाद अगर वो लोग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड करेंगे कि इसमें क्या, वो लोग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताएंगे कि वो लोग बिजनेस व्यू के हिसाब से वो लोग बताएंगे कि ये आपका स्टार्टअप फ्यूचर में मोनिटाइज होगा कि नहीं। उसके हिसाब से प्रॉबेबली मैंने 2 ट्रायल्स के बाद मुझे इंक्यूबेशन में ग्रांट के लिए मुझे अप्रूव मिला। और साथ में ही इसमें इंक्यूबेशन में जाने के बाद आपको कई सारे जो लाइक अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, या फिर कुछ इंडस्ट्री के लिए चाहिए, या फिर कोई भी तरह का अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो फिर ये लोग यहाँ पर आपको कोई इंडस्ट्रियल मेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमारा जो एक्सपीरियंस था इसमें, हम लोग ने डेवलप किया था, डेवलप करने के साथ ही हमारा फर्स्ट ये एक मोटिवेशन पहले से ही था कि स्टार्टअप करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप करने से पहले ऑलवेज ये एक माइंड में रखिए कि आप अपना खुद का रिसोर्स का मैनेजमेंट करके रख रहे हैं, बूटस्ट्रैप करके
आप अपना फंड्स और जो भी रिसोर्स है वो आपको खुद ही मैनेज कीजिए, क्योंकि जो इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स से जो फंडिंग्स मिलता है उन पे डिपेंड रहना एक रॉन्ग थॉट है, क्योंकि बेसिकली वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज के थ्रू अगर आप कर रहे हो वो फंड्स के लिए, तो वो फंड्स ऑलवेज आपके प्लानिंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है, जो आपका डेवलपमेंट का जो भी आपका प्लानिंग है या फिर जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है उसका पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता है अगर आप उस पर डिपेंड रहोगे या वो फंड्स पे या फिर वो कोई भी रिसोर्स वो लोग प्रोमिस कर रहे हैं। दूसरा, जो भी आपका जो बेसिक बेसिक डेवलपमेंट है जो भी प्रोडक्ट के लिए है आपका, जैसे भी हमारा जो बेसिक था उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी है वो सब मैं डेवलपमेंट कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में जो प्रोग्रामिंग जो सब डेवलप कर रहा था वो जो मेरा पार्टनर डेवलप कर रहा था उसमें वो जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम दोनों वी बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, आई एम फ्रॉम ईसी एंड ही इज फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों अलग था, तो काफी लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं, मेरा नॉलेज उसको सब देना था कि वो डेवलप कर सके, और साथ में प्रोग्रामिंग साइड पे जो लैग्स थे जो वो सॉल्व नहीं कर सकता जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पे सॉल्व करना पड़ता था, वो सब एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि जब कोई एक आप टेक्निकल फील्ड में एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बट्स एंड वाइज होते हैं, और जब भी आप एक टेक्निकल इंजीनियरिंग साइड फील्ड पे अगर आप कोई डेवलपमेंट करने जाते हो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो मेजोरिटी टाइम्स आपको गिव अप करने का भी मन बना जाता है कि बस अभी ये नहीं हो सकता, और बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज भी मिलते हैं, बट वो नेगेटिव रिव्यूज आपको से वो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, वो नेगेटिव रिव्यूज आपका वही रिव्यूज है जो ट्रू है जिसपे आपको एक्चुअली वर्कआउट और करना चाहिए, और वो आपके चैलेंजेस है, और वो जो चैलेंजेस है क्योंकि मेजोरिटी क्या है कि अगर आपका एक इनोवेशन है वो इनोवेशन मार्केट को जल्दी समझ में नहीं आएगा और वो ना जल्दी से अडेप्ट कर पाएंगे, उसको अडेप्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि फिलहाल में एक कंपनी है फॉर एग्जाम्पल जो कई सालों से एक ही कंपनी का हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ऑल्दो वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी का है, हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं प्रिफर करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन लोगों को वो टेक्नोलॉजी में चेंज करने से क्या उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या उनकी प्रोडक्ट में और वो फीचर्स ऐड हो रहे हैं, वो लोग कंपनीज में वो लोग जल्दी से ध्यान नहीं देते, उन लोगों का यही है कि जो अभी चल रहा है वो ठीक है, जब तक उनको ये नहीं पता चलता कि वो उनके कंपिटिटर्स ये चीज डेवलप करके अभी वो लोग बेटर वे में जा रहे हैं, सो ये सब डीमोटिवेट करने करने वाले अच्छे डीमोटिवेट करने डीमोटिवेट होने के बहुत सारे वेज है इसमें, और साथ में आपको आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ मोटिवेटेड हो अपने आइडिया और अपने प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पर हमारा जो बेसिक जो एक्स हमारा जो एक्सपीरियंस था पूरा, और यहाँ पर हम लोग ने जब इंक्यूबेशन सेंटर में जब हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे जैसे कई कंपनीज कई स्टार्टअप्स थे जो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा डोमेन सबका अलग अलग था, एक एग्रीकल्चर फील्ड से था तो एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो डोमेन अलग अलग है मगर प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है, लाइक उसमें से मेजोरिटी जो एक प्रॉब्लम था जो सब में कॉमन था वो यही था, एडेप्ट कोई एडेप्ट नहीं करता इनोवेशन जल्दी से, उसका रीजन यही है कि जो मार्केट अवेयरनेस है वो आपको कैसे जल्दी से लानी है, कैसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर
एक्सप्लेन कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट को और इनोवेशन को टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे यहाँ पर इंक्यूबेशन में ऐसे प्रेजेंटेशन हम लोग ने हमारी प्रोडक्ट पे ही हम लोग ने मेजोरिटी किए थे कि कैसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी कंपनीज को जाके एज एन हमारा प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया था। हमारा जब प्रोडक्ट पिच होने से पहले स्टार्टअप जीआईसी में जो है हमारा फंड के लिए जब हम लोग पिच कर रहे थे उसके पहले मैंने 67 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाके मेरा प्रोडक्ट मैंने पिच किया था। जो बेसिक जो मेरा आइडिया था वो वैलिडेशन के लिए था, वो उसी के लिए था कि मेरा जो आइडिया है वो मार्केट एक्सेप्ट करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किया था वो उनके लिए वायबल है कि नहीं, उनके यूज करने के लिए वो एग्री होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ये फर्स्ट वैलिडेशन था आपके प्रोडक्ट का और आपके आइडिया का वैलिडेशन, वो मार्केट से जो होगा पब्लिक को जो चाहिए वही सब सही है। क्योंकि वो वैलिडेशन होने के बाद में जाके मैंने स्टार्टअप फंड के लिए पिच किया था। वो 67 कंपनीज में से 52 कंपनीज ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया। वो 52 पॉजिटिव रिस्पांस देने के बावजूद जाकर के मैंने ये डिसाइड किया कि अब जाकर के मैं आगे इस आइडिया को पे और वर्क करूंगा। इसलिए ऑलवेज एक सही जगह पे एक सही जो भी फील्ड हो आपका स्टार्टअप का, जो अगर आप फ्यूचर में स्टार्ट करने का सोच रहे हो, एक परफेक्ट वो मार्केट जाके उसको वैलिडेट पहले कीजिए। तो आपको एक क्योंकि मार्केट में अगर आप एक बेसिक किसी से वैलिडेट नहीं करवाएंगे, अगर आप पहले खुद से ही सोच के आप डेवलप करते जाएंगे तो वो एक बहुत ही बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्स सब आपका वेस्ट होगा। क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स मैंने यहाँ पर इंक्यूबेशन में बैठ के देखे हैं, हम लोगों ने डेवलप किए, हम लोगों ने पहले मार्केट से अपना किसी से भी वैलिडेट नहीं करवाया अपना प्रोडक्ट या फिर आइडिया कंसेप्ट जो भी है, वैलिडेट नहीं करवाया। नहीं, यहाँ पर जाके इंक्यूबेशन में जाके इंक्यूबेट हो गए, फंड्स के लिए वो लोग प्रिपेरेशन कर रहे हैं मगर कहीं से भी फंड्स नहीं हुए। ऑलमोस्ट 2-3 साल उन लोगों ने वेट किया, ट्राइज किए और एंड में जाके उन लोगों ने वो फाइनली एंड में उन लोगों ने वो स्टार्टअप का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और ये स्टार्टअप के मेजोरिटी देखने जाओ तो 40% स्टार्टअप से सक्सेसफुल जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो मिस्टेक जो करते हैं स्टार्टअप वो यही करते हैं कि उन लोगों का वैलिडेशन वो लोग सही से नहीं कर पाते, पर या फिर वो लोग वैलिडेशन से पहले ही वो लोग उनका स्टार्टअप का आइडिया ड्रॉप कर देते। रीजन यही है कि वो लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम एक्चुअल में मार्केट में है, मार्केट में कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम दिखता है और वो लोग सॉल्व करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग हैं मार्केट में जिसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, देन आगे आप स्टेप लीजिए स्टार्टअप के स्टार्टअप को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप यहाँ पर जितना भी एक्सपीरियंस जब आप गेन करते हो स्टार्टअप के लिए और आपकी जो आइडिया और उसके आइडिया के लिए, उसमें मेन यही है कि आपका जो नॉलेज है, नॉलेज सेट जो आपका पर्टिकुलर फील्ड में जो आप काम कर रहे हो वो आप कहाँ से ला रहे हो। क्योंकि बेसिकली आप जो यहाँ पर वो कॉलेजेस में जो आप पढ़ते हो वो एक्चुअली एक बेस लाइन है कि आपको इतना पता रहना चाहिए। अगर आप कोई इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आपका स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आप थिंक कर रहे हो, जो कॉलेज में पढ़े हो वो एक आपका बेस लाइन है कि इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपको कई सारे, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो जो FPGA बेस पे मैंने पहले स्टार्ट किया था, बाद में मैंने कोर्टेक्स पे मेरा डेवलपमेंट किया था। उसके बाद जब उसका टेस्टिंग का आया, उसका जब
उसको जब टेस्टिंग फेज में लिया था, जब जाकर के कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो टेक्निकली हम लोग अननोन थे, उससे अनअवेयर थे, वो सब जाकर के हम लोग ने आगे और डेवलप हुआ हमारा। प्रोबेबली मेरा डिज़ाइन जब मैंने डेवलप कर रहा था तो एक बार मैंने इम्प्लीमेंट हम लोग खुद से ही यहाँ पर हमारे इंक्यूबेशन में ही करते थे, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 बार हमारा डिज़ाइन पूरा चेंज हुआ था। वो चेंज होने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट हम लोग फाइनली मार्केट में सेल करने का सोच रहे थे, जब हमारा फर्स्ट क्लाइंट जो फार्मेसी वाला हमको जिससे हम लोग डील कर रहे थे, तब उन्होंने हमको बोला कि आपके प्रोडक्ट के लिए ये कुछ 3 से 4 सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है जो चाहिए ही आपको। तो वो सब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टार्टअप स्टार्ट करने के टाइम पे हमको ध्यान ही नहीं थे कि ये सब एसेंशियल है, ये सब नीड है मार्केट की, जैसे कि कोई का कंप्लायंसेस लेना या फिर IP65 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, CE का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब जो चीज़ है जो मार्केट को चाहिए, जिसके लिए ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसका ये एक सर्टिफिकेट है, तो ये सब जो चीज़ है और उसके लिए जो फंड्स जो हमको चाहिए है वो सारे फंड्स हमको यहाँ से प्रोवाइड किए गए थे। कुछ कुछ हमने हमारा बूटस्ट्रैप करके भी जनरेट किया था। फिलहाल में हमारी अभी ये कंपनी स्टार्ट हुए 2 साल हुए, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग, वी आर नॉट देयर वी हैव एक्सपेक्टेड। सो स्टार्टअप में जो चैलेंजेस होते हैं वो हर स्टेप में एक अलग व्यू आपको देंगे कि आपको कैसे ले जाना है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तब जो एक आपका माइंडसेट होगा एक कंपनी को कैसे आगे ले जाना है, जब आप प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाओगे तब आपका माइंडसेट चेंज होगा कि अब आगे कैसे जाना है, और जब आप उस आपका आइडिया को मोनेटाइज करोगे, जब आपको आप अपनी कंपनी को जाके प्रॉफिट लॉस शीट पे जाकर के देखोगे तब आपका माइंडसेट एक अलग सेट होना चाहिए कि आपको अपनी अपनी कंपनी को कैसे आगे सब रिसोर्सेस प्रोवाइड करना है और वो कैसे आगे का सब डेवलपमेंट और आगे बाद में एम्प्लॉयज और वो सब कैसे आप एक्वायर करेंगे। सो ये सब बहुत सारी ये चीजें हैं जो ऐसे ही आगे आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑलवेज आपको देते रहेंगे, जो अगर एज ए प्रॉब्लम्स लेकर के उसको थिंक करेंगे, वो बेसिकली एक माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि वो चैलेंजेस आपको ऑलवेज डेली आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलेंगे और वो चैलेंज आपको ऐसे ही सॉल्व करते रहना है, और वो बहुत से टाइम आप डीमोटिवेट हो जाओगे तो आप वहीं पर छोड़ दोगे, आपका नहीं आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि मेजोरिटी जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो 2 से 3 साल के अंदर अंदर वो लोग ड्रॉप कर देते हैं वो स्टार्टअप का एरिया, और यही जो टाइम है यही एक बेसिक टाइम है जहाँ पर आपको पूरा आपको मोटिवेशन के साथ पूरा आपको टाइम देने के बाद उसको आपको ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस नहीं है, ये साथ में एक आपका आइडिया है जो आपको ग्रो करना है, ये एक आपका इनोवेशन है जो उसका अवेयरनेस जैसे आप दोगे आप मार्केट में वो वही आपका ग्रोथ है। लाइक मेरा मेरा जो प्रोडक्ट था, मेरा प्रोडक्ट में जल्दी से कोई स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तब कोई एग्री नहीं हुआ था, जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे तो MSMEs में उन लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था, मगर जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड या फिर कोई लार्ज कंपनीज थी उसमें ऑलवेज मेरा यहीं पे एक बैकएंड था कि लाइक वहीं पर मेरा स्टॉप हो जाता था कि मेरे पास वो सफिशियंट सर्टिफिकेट्स नहीं है।
और जब भी आप अपना जो स्टार्टअप का आइडिया है, जो भी आपका जो वेब भी वैलिडेशन करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैठ के कुछ जो भी आपका फील्ड है उसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए, वो मार्केट क्या है, कैसे चलता है, और उसके लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज है, वो आपको उसमें काम करके अगर आप एक्सपीरियंस लो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैंने 2 साल ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ही काम करके एक्सपीरियंस लिया था, उसकी वजह से मेरे स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के चांसेस मैं वही उसी टाइम को देता हूँ कि वो मैंने 2 साल जो काम किया था उसकी वजह से ही मेरा स्टार्टअप आगे बढ़ा है। क्योंकि वो जो नॉलेज मैंने वहाँ पर जो मुझे मिला है, जो मैंने ऑलमोस्ट कई सारे सोलर प्लांट्स और कई सारे ओईएम ओईएम प्रोजेक्ट्स जो मैंने कमीशन किए थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स में मेरा मेन यही था कि एक जो पॉइंट हर एक जगह पे एक पॉइंट वो जो मुझे कॉमन दिखा था प्रॉब्लम, जो वो लोग कई सारे लैक्स ऑफ रुपीस पे करके वो लोग ऑटोमेशन का सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, स्टिल मुझे कुछ पॉइंट्स नजर आते थे जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे क्लाइंट पे, वो उतना अमाउंट पे करने के बाद भी। वो मैंने नोट किया, उसको बाद में मैंने वही प्रोसेस करता था कि इसमें अभी क्या हो सकता है, उसके बाद मैंने वही टाइम पे मैं आगे उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई कर रहा था। वो सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन पूरा आइडिया पे, बेसिक आइडिया मैंने मेरा डेवलप किया। वो आइडिया डेवलप करने के बाद मैंने मार्केट में वैलिडेट किया, तब जाके वैलिडेट किया था। वो जब आप अपना आइडिया वैलिडेट करने के लिए जाओगे तो प्रॉबेबली आपको ये हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिव्यूज मिले, तो फिर आप डीमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज मिलते ही ऑलवेज ऑलवेज आपको रीडेवलपमेंट आपका आइडियाज करने की जरूरत होती है। क्योंकि क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट आप जब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके क्लाइंट आपको ये नहीं देखेगा कि आप क्या दे रहे हो, वो अपना प्रॉफिट देखेगा कि ये पे करने के बाद या फिर ये लेने के बाद उनको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, और फीचर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लाइक जो मैंने प्रॉब्लम जो था, मैंने वो देखा था कनेक्टिविटी का, राइट? फिर वो प्रॉब्लम था प्रोग्रामिंग के फ्लेक्सिबिलिटी का, प्रोग्रामिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों को नहीं मिल पाती। दूसरा, जब भी अगर कोई ब्रेकडाउन आया, वो ब्रेकडाउन को सॉल्व करते हुए वो प्लांट 3 से 4 दिन मिनिमम वहीं पर ब्रेकडाउन में ही रहता था, वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाता। ये 3 पॉइंट्स थे मेजर जो सॉल्व करने थे। और वो जो टेक्नोलॉजीज को इंडस्ट्रीज यूज कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 5 से 10 साल पुरानी है। जो अभी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती थी, मगर स्टिल वो सारी कंपनीज के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और अगर अवेलेबल जो है वो कंपनीज के लिए वो अमाउंट वो लोग पे नहीं कर सकते, वो बहुत ही कॉस्टली है। तो यही मेरा आइडिया था, यही मेरा मेन कंसेप्ट था कि एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करो जो ये मेन 3 पॉइंट्स है जो सॉल्व करके दे क्लाइंट को। और साथ में वो मैंने किया डेवलप करने के बाद मैंने जब कंपनीज को जाकर के दिया था कि क्या है बेसिक आपका आइडिया, तो उन लोगों को यही लगा था कि तब जाकर के मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। अच्छा सा और जब डेवलपमेंट जब नेक्स्ट फेज में आया, जब आपको मैंने हार्डवेयर बिल्डअप किया, हार्डवेयर बिल्डअप करने के बाद जब प्रोग्रामिंग जो मेरा पार्टनर जब वो कर रहा था, तो मुझे उसमें एक कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट जो था मुझे उसको एक्सप्लेन करना था कि ये है। उसके लिए आपको कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पार्टनर था उसको ही एक्सप्लेन करना, उसके आपको जो चाहिए उसके हिसाब से ही उसका वो सब डेवलपमेंट करवाना,
और अगर आपकी टीम में जो भी हो वो सबको वो कंसेप्ट क्लियर हो, तब जाकर के आपको एक जो चाहिए वो डेवलप करना है, उसके लिए आपको जो सेट ऑफ नॉलेज चाहिए, जो आपको सब चाहिए, उसके लिए रेगुलरली हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग अलग से टाइम निकाल देते हैं कि 3 घंटे बैठ के हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे। मैं ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डेटा शीट रीड करता था, और साथ में और कंपनीज के अभी डेवलपमेंट कर रही है, साथ में जो NXP, फिलिप्स या फिर जो भी ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक कोर कंपनीज है उनके जो न्यूज़ लेटर्स आते हैं टेक्नोलॉजी के लिए वो सब रीड करते हैं, जिससे हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो और रिलायबल इजीली और कैसे हमको रिसोर्स कहाँ से कुछ फाइंड करें वो सब की इंफॉर्मेशन हमको वहाँ से मिलती है, और वो प्रोसेस हमारा पूरा 2 साल तक चला। हम लोग ने ये हमारा शेड्यूल 2 साल तक कंटिन्यू रखा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज कॉलेज खत्म होने के बाद भी, मार्केट का नॉलेज लेने के बाद भी हम लोग फील कर रहे थे कि हमारे पास नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, तो ये सब जो हमारा जो फर्स्ट जो हमारा प्रोटोटाइप बना था वो ऐसा कुछ था, जिसमें 7 इंच का स्क्रीन लगा था और टोटल 48 IOs थे, और साथ में इसमें कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स थे, प्रोफिबस डिवाइस नेट RS-485232, और ये सब जो डेवलपमेंट हुआ था वो जो सब प्रोटोकॉल्स रहते हैं, और साथ में जो हार्डवेयर डेवलपमेंट था उसके साथ साथ हमको वो PLC प्रोग्राम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था वो सॉफ्टवेयर के भी कंप्लायंसेज होते थे, जो कंप्लायंसेज यूज करने के लिए हमको बहुत सारे अलग अलग लाइक प्रोग्रामिंग साइड पे देखे, तो जैसे हम लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं वो लाइब्रेरीज में भी ईयरली उन लोगों के वर्जन्स डेवलपमेंट में चेंज होते रहते हैं, तो ये सब जो चीजें थी जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये लोग हम लोग फेस करते ही थे, और ये सब जो चैलेंजेस थे वो बेसिकली यही था हमारा मोटो कि वन हार्ड वन सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर लिखा है भाई, कि हम लोग लाइक स्काडा था, PLC था, और हमारा जो भी एक बेसिक एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन में वो स्काडा, HMI और PLC का जो मेन OEM जो फंक्शन करता है उसका, वो सब लोग सभी इस चीज हम लोग एक ही हार्डवेयर में प्रोवाइड करते थे, तो उसके लिए हम लोग ने जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क पे हम लोग ने एक वेब बेस्ड काड़ा दे दिया जो पर्टिकुलर वो एक प्रीमाइसिस के लिए रन होगा, वहां पर जो मशीन पे जो काम कर रहे जो भी कोई वहां पर होगा इंचार्ज में उनके यूटिलाइजेशन के लिए हमने वहाँ पर एक HMI दिया था 7 इंच का, जहाँ से वो मशीन ऑपरेट कर सके और इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मिले, और साथ में आज के टाइम में एक पैनल साइज का एक कंसेप्ट है जो मेनली अभी ये जो टेक्नोलॉजी जैसे कि डेवलप हो रही है मिनिएचर सब होता जा रहा है, वैसे ही वो एक फीचर की तरह आज के काउंट किया जा रहा है कि कितना स्मॉल है और क्या साइज है, उसके हिसाब से ही हम लोग ने ये हमारा हो सके उतना स्मॉल करने के लिए PLC और HMI एक ही डिवाइस के अंदर दिया था, और साथ वो सब हम लोग ने दिया था, और ये हमने लीनक्स पे पूरा ये डेवलपमेंट किया था, वो सब डेवलपमेंट और वो सब टेस्टिंग करते करते हमारा ऑलमोस्ट 6 महीने से 7 महीना उसको चेक करने में गया कि जो चाहिए वही बना है कि उसको। इसका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हमने जो फार्मेसी कंपनी में किया था, उसके बाद हमने एक माइनिंग प्रोजेक्ट पे किया था जहाँ पर उनका जो माइनिंग का जो प्लान माइंस थी वहाँ पर जो भी मटेरियल जो अर्थ में से निकालते हैं वो सारा पूरा प्लांट था, वहाँ पर जो भी मटेरियल निकला उसका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद कितना मटेरियल वहाँ से वो माइन से बाहर गया, क्या प्रोसेस हुआ, वो अब सारे प्रोसेस में कितनी एनर्जी यूज हुई, कहाँ पर मशीन ड्राई रन हो रहा था, ये सारा रिपोर्ट्स हम लोग ने एक वो क्लाइंट को मिल रहा था, और
और साथ में ही वो क्लाइंट मॉनिटर कर रहा था अपने मोबाइल से, ऑल दो वहाँ पर जो इंचार्ज थे उनके फोन्स पे जो प्रीमाइसिस पे थे वो सब भी वहाँ पर वो यूटिलाइज कर सकते थे, और साथ में वहाँ पर जो ऑफिस में या फिर जो एडमिन रूम थे वहाँ पर भी वो लोग कर सकते थे। तो उसके में की वजह से क्या हुआ कि उनका जो बेसिक माइंड में उन लोगों का ये बोलना था कि जब मशीन ड्राई रन की वजह से घूम रहे थे तो बेसिकली उनका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर का जो बिल था उसमें ही उनका इतना डिफरेंस हुआ कि उनके प्रॉफिट मार्जिन में 20% का डिफरेंस मिला, 20% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ऑन एक एक साल में। तो उन लोगों का इसी बेस पे उन लोगों का ये और दो हमको प्रोजेक्ट मिले यही बेस पे, कि मेन इसमें यही था कि रिपोर्टिंग सर्विसेज, क्या आप इंफॉर्मेशन अंदर से आप निकाल के दे रहे हो, क्या डेटा आप प्रोसेस करके दे रहे हो, ये सब जो डेवलपमेंट था ये सब आपका बेसिक आइडिया जो सब था वो हमने माइंड से क्लियर होने में और वो सब डेवलप करने में हमने ऑलमोस्ट 2 साल इसी लिए स्पेंड किए। और साथ में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स, आप एक स्टार्टअप के लिए आप जब सोच रहे हो आपका आइडिया वैलिडेट हो गया, आपने कंसेप्ट भी पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे आगे बढ़ना है, और आपको जब एक फंड्स का आपको प्रॉब्लम हो तो कभी भी फंड्स गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स की एक्सपेक्टेशन रख के आगे मत बढ़ना, वो एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन कंसीडर करके रखना है मगर उस पर डिपेंड नहीं रहना है। लाइक मैंने यहाँ पर GIC से हम लोग को फंड्स मिले, SOIC से मिले और ई हब से मिले, हमने साथ में बोइंग में भी अप्लाई किया था और कई सारे हमने और भी है लाइक सर्च करके है उसमें से भी हमको मिला है, और हैदराबाद में है वहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट और बॉडीज हैं जो ऐसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहिए तो वहाँ से आपको फंड्स मिलेंगे, आगे से आपको और रिसोर्स मिलेंगे और एक्सपीरियंस भी मिलेगा जिससे आप आगे और बढ़ सकते हैं। और आपको हमेशा कैलकुलेटिव रहना चाहिए कि क्या रिसोर्स है उसके हिसाब से आप कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना आप आगे डेवलपमेंट कर सकते हो, वो ऑलवेज माइंड में हर सुबह उठते क्लियर रहना चाहिए, वरना आपका टाइम यूं ही स्पेंड होता जाएगा और कभी भी आपका स्टार्टअप का आइडिया का और प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको डेली डेवलपमेंट आपको नोट करके रखना है कि आज इतना हुआ तो कल इतना होना चाहिए, और जो रिसोर्स है उसके नजर में रखते हो उसको पहले कंसीडर करके आपके पास, क्योंकि प्रॉबेबली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने जॉब छोड़ के ये डेवलपमेंट में मैंने टाइम दिया था, तब एक टाइम ऐसा भी आता है कि सिर्फ आपके पास टाइम है ना, पैसा है और ना कुछ, मगर वही टाइम पे बाद में हमारा यहाँ से ग्रांट हो गया था और हमारा बाद में आगे और बढ़ा, तो वो सब कंसिडर करना और वो टाइम पे भी मोटिवेटेड रहना, क्योंकि वो सब वो एक टफ टाइम रहता है। और बेसिकली यहाँ पर इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी लैग है कि और लोग भी इतने ओल्ड टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं कि वो सब चेंज लाने में बहुत टाइम लगता है, और यही था मेरा बेसिक एक्सपीरियंस में मेरे स्टार्टअप में। कोई क्वेश्चंस है आपको? हेलो। ओके यस यस सर ओके सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टार्टअप इन योर माइंड सो यू कैन आस्क टू दी तरंग सर Student, we have a just 5 to 10 minutes still, and if you want to develop your career okay, in the field of startup, so we have a very good expert. Okay, he's already facing so many problems related to the startup. So you can ask anything, so that sir will try to give you the answer regarding your question.
एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर हम कहाँ कहाँ से पता यानी सोच लगा सकते हो कि कैसे कैसे कौन से स्टेप लेने चाहिए स्टार्टअप इंप्लीमेंट करने के लिए? सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मुझे कंप्लीट सर समझ में नहीं आ रहा। हेलो सर, कैन यू हियर मी? सर इज एक्चुअली आस्किंग अस व्हिच आर द स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो टू स्टार्ट द स्टार्टअप। सबसे पहले आप जैसे कि कौन सी फील्ड में आप स्टार्टअप करना चाहते हो, इंटरेस्ट की बात है ये, आप किस फील्ड के लिए आप मोटिवेटेड हो, क्योंकि ये स्टार्टअप स्टार्ट करने में आपको मोटिवेशन फुल चाहिए, आपको खुद का एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं मुझे यही करना है। क्योंकि बेसिकली आप कोई इन्फ्लुएंस में आकर के कर लोगे तो कल वो इन्फ्लुएंस आपका चेंज भी हो जाएगा। अगर आप कहा जाके किसी ने बोल लिया कि यार आपको शेयर मार्केट में करना है, शेयर मार्केट बहुत ही बढ़िया है, ये वो है, और आपने इन्फ्लुएंस में आके शेयर मार्केट का काम भी करना शुरू कर दिया, और कल को जाके आपको कोई दोस्त मिल रहा है जिसने बोला कि मेरा तो इतने का घाटा हो गया है, तो फिर आपका वो आइडिया तुरंत ही ड्रॉप हो जाएगा। यू शुड नो वॉट इज योर इंटरेस्ट, आपको डेवलपमेंट साइड पे जाना है, क्योंकि सपोज जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड मेरा स्कूल से ही डिसाइडेड था कि मैं इसी ही करूंगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो सारा मेरे फादर का फैब्रिकेशन का फैक्ट्री है, तो वहाँ पर उन लोगों का मैकेनिकल का नॉलेज मेरे पास अच्छा सा था, मैंने बहुत सब मशीन्स स्कूल के टाइम में ही देखे थे, तो मेरा यही एक आइडिया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स साइड पे जाऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप करूँ, मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट तो खुद का नॉलेज है, और मेरा यही मोटिवेशन था इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड सोल ऑफ अ मशीन, तो उसी तरह से ये मेरा मोटिवेशन था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है। तो आपका मोटिवेशन हो उस हिसाब से, अगर आप पहले वो अपना फील्ड वो एरिया आप सिलेक्ट करो, उसके हिसाब से वो एरिया में आप वर्क करो, उसमें उसी में आप चाहे तो जॉब कर लो 2-3 साल, उसके बाद में अगर कोई आपको लूप होल मिले, वो लूप होल आप जो मेजोरिटी मार्केट मेजोरिटी जो भी वहाँ वो मार्केट के जो मेजोरिटी हेड्स है, जो बड़े लोग हैं, वो सब वो लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए आप कुछ सॉल्यूशन लेके आओ, वो सॉल्यूशन आपने जो समझा है और आपने जो सॉल्यूशन निकाला वो एक्चुअली सेम है, वो एक्चुअली वो आपका सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम लूप होल सॉल्व करता है, तो वो आप जाके मार्केट में वैलिडेट कीजिए, अगर वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है देन आगे आगे आप आगे बढ़िए, आप उस पे अपने रिसोर्सेज लगाए, जो भी है उसको आगे डेवलप कीजिए, और बाद में जाके आप कभी भी पढ़िए इंक्यूबेशन और कहीं से भी, ये जो फ्री फंड्स अवेलेबल बहुत है, इंडियन गवर्नमेंट अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे तो प्रोसेस स्लो है, मिल रहे प्रोसेस स्लो है, मगर उसकी वजह से आपका टाइमलाइन, क्योंकि बेसिकली हमको यहाँ पर जो जो गाइडेंस हमको यहाँ पर इंक्यूबेशन में दे रहे थे, वो लोग खुद ही बोल रहे थे हमको कि अगर आप ये फंड पे एक्सपेक्टेशन रख के अपना जो आगे का डेवलपमेंट है और आपका प्लानिंग है वो आप डिले कर रहे हो, तो प्रोबेबली मेरा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस पे था, तो बोला कि आपने अगर सपोज ये फंड 1 साल लेट आ गया गवर्नमेंट का है, तो आप 1 साल के बाद आपका प्रोडक्ट आप मार्केट में रखोगे, प्रोबेबली तब कोई प्राइवेट कंपनी आकर के यही सेम प्रोडक्ट मार्केट में उन लोगों मार्केट में उन लोगों ने जगह बना ली, उन लोगों ने अपना मार्केट बना लिया, तो आपको उनका मार्केट आपको उसके मार्केट में जाके अपनी प्लेस बनानी है, यू इफ योर ओन प्लेस इन द मार्केट। ओके सो एनी अदर क्वेश्चन? हेलो स्टूडेंट, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड ट्राई टू डिस्कस इट सर, बिकॉज वी हैव नाउ 2-3 मिनट्स टू हैव। सर वी हैव वन चैट, इन द यस चैट सर, आई एम विंडो यू लुकिंग कैन एट। इन द चैट विंडो यू कैन जस्ट सी द कंसल्टेंट एटसेट्रा। Your contacts are real money and network is your way to success. Can you comment on this? Please writing one sentence. Tarang sir, can you able to यस सर,
Yes, context is real money because it gives you the नॉलेज यू नीड, क्योंकि बुक से आप जो नॉलेज करो आप फाइंड करोगे या फिर गूगल करोगे वो किसी का वैलिडेट नहीं है, वो किसी का प्रोसेस है, मगर आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ का वो नॉलेज नहीं है, वहाँ का वो क्या बोलते हैं माइंडसेट के साथ वो नहीं है, वो एक रिटर्न चीज है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। क्योंकि आप किसी से मिलते हो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप दो लोगों से वैलिडेट करो, गूगल से एक प्रेफरेंस है ठीक है कि आपको ये एक आपको बेसिक आइडिया मिलता है, मगर जो मार्केट की चीज है जो मार्केट के जो कॉन्सेप्ट्स है, साथ में अभी मैंने जो ये बोला कि आप मैं इनोवेशन जब आप जाके किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो वो लोग नहीं जल्दी से एक्सेप्ट करते, वो एक सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट आपको किसी गूगल या बुक से नहीं मिल पाएगा, वो सेंटीमेंट मार्केट में जब आप अपना प्रॉब्लम लेकर के जा रहे हो वो सेंटीमेंट जो आपको फाइंड करना पड़ेगा वो सेंटीमेंट क्या है मार्केट का। हाँ स्टार्टअप्स के लिए जैसे कि फिलहाल मैंने जो GIC में स्टार्टअप के लिए मैंने जब अप्लाई किया था तो वो लोग बेसिकली IIT और साइबर सिक्योरिटी के लिए तब नहीं करते थे 2 साल पहले, पर अभी कई सारे ऐसे है गवर्नमेंट बॉडीज जो साइबर सिक्योरिटी के लिए फंड करते हैं, और उसमें वो लोग बेसिकली फंड ये कंप्लायंसेस और जो सर्टिफिकेट्स जो रहते हैं, सपोज आपने कोई पोर्टल बना दिया और वो जो पोर्टल जैसे मेरा जो पार्टनर है पुनीत उसका खुद का एक पोर्टल है वर्ल्ड मशीन्स के लिए, और उसका जैसे पेन टेस्टिंग हो गया या फिर SQL इंजेक्शन हो गया, ये सब जो है बेसिक साइबर सिक्योरिटी में, उसके लिए एक ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप एक्चुअली वो सब साइबर अटैक्स आप ट्राई कर सकते हो और उसके सॉल्यूशंस भी आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो वेब पोर्टल पे, वो उसका उसने खुद एक प्रोडक्ट डेवलप किया है वर्ल्ड मशीन्स करके, वो आप देख सकते हो। साथ में स्टार्टअप्स के कई जो जितने भी मेजोरिटी जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स वो आपको बहुत कम है, मेरे आइडिया में तो अभी तक तो कोई है नहीं जो आपको डेवलपमेंट के लिए पहुंचते हैं। डेवलपमेंट आपका जो भी एक अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो साइबर सिक्योरिटी के लिए तो उसका डेवलपमेंट आपको खुद से ही करना पड़ेगा, वो लोग प्रोवाइड अगर फंड्स करेंगे तो बस वो कॉम्प्लायंसेस और सर्टिफिकेट्स के लिए, उससे ज्यादा वो लोग कोई फंड्स अभी प्रोवाइड करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं, मगर साइबर सिक्योरिटी में है अभी फिलहाल में मेरे ध्यान में 3 कंपनीज है जो साइबर सिक्योरिटी में आए हैं अभी रिसेंट, और उसमें से एक ये पुनीत दर्जी का ही स्टार्टअप है। Okay, so I think we covered few of the question also. Now we reach nearer to our finishing of our time. So let me finish some photo session. So Tejas sir, can you are you there, Tejas sir? Yes, sir, definitely. So, guys, for the sweet memory, let's take the photographs. Okay, so turn on your camera. Okay. Yes, Tarang sir, can you On stop the your camera. sharing? Okay. All of you just turn on your camera. Okay, so all the Please turn on your participants are camera. requested that please turn on your camera. We will take only hardly 1 2 minutes for that. Participants, please turn on your camera so that we can take this. Okay, guys, keep turn on your camera for 1 to 2 minutes. Yes, Naitik, Ashri, Srijan, Hem, Khushi, Dhruv, Vismay.
ऑल ऑफ यू आर गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा. Okay, yes, thank you so much, sir, to all of you, and thank you so much, sir, Tarang, sir. Hey, thank you, Tarang, sir, for sparing your valuable time from your busy schedule for us. Okay, and if any student want to communicate to Tarang, sir, okay, you can directly contact to Tejas, sir, or me, okay, so that we can give some communication detail to Tarang, sir. Okay, so now, we reached to finishing over time. So thank you very much to all of you. And we now close this session. Okay. Thank you, sir.